हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में। दीपिका को ये लेक्चर पढ़ना था, सो दीपिका आपके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। बाकी लोग भी पढ़ लीजिए, आपके काम का है। यूनिट 9B में दिया हुआ है कि लीडरशिप क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपिका, आई एम सॉरी कि कई दिनों से मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट इसको समझते हैं लीडरशिप क्या है। नेतृत्व आपका टॉपिक है लीडरशिप। ये आपका 9B यूनिट में दिया हुआ है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये टॉपिक आया है कि लीडरशिप होता क्या है, इसका टीचिंग में क्या काम है, इसमें आपके कंसेप्ट क्या क्या है वो आप समझ लेते हैं। सबसे पहले दिया है आपको मीनिंग ऑफ लीडरशिप। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लीडरशिप का क्या मीनिंग है, नीड ऑफ लीडरशिप क्या है, टाइप ऑफ लीडरशिप क्या है, साथ ही डिफरेंस क्या है डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, साथ ही थ्योरीज क्या है लीडरशिप की, साथ ही हम देखेंगे लीडरशिप एंड एजुकेशन। सो पहले मीनिंग, नीड एंड टाइप्स एंड डिफरेंस एंड थ्योरीज एंड आप उसका एजुकेशन में क्या यूज है, इन सबको हम इस लेक्चर में समझेंगे। सो वन बाई वन इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि मीनिंग क्या है। कोई भी टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। सो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। लीडर या नेतृत्व, हिंदी में इसको, तो नेतृत्व से बना है नेता एंड लीडरशिप से। तो पहले हमको समझना होगा लीडर क्या होता है, साथ में नेता क्या होता है, तब हम समझ जाएंगे कि नेतृत्व क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है। तो पहले हमको क्या समझना है, लीडर कौन होता है और नेता कौन होता है। देखो, हम लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं। वो गुण कैसे होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एजुकेशन को लेकर कोई समस्या है, ठीक है, आप सभी क्या हो, स्टूडेंट हो, और आपको समस्या है कि UGC ने जो ऑनलाइन एग्जाम लिया है वो ऑनलाइन एग्जाम से आपको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और आप इस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अपने आइडियाज शेयर किए, और उसमें से एक जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं लीडर हूँ और मेरे अकॉर्डिंग अब कैसे काम करना है, किस किस तरह से हमको UGC से ये बात करनी है, और किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, और किस तरह की हम आगे स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि ये जो मोड है वो चेंज हो जाए। मान लीजिए आपने इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, तो आप में से कुछ लोग आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, उस ग्रुप को लीडरशिप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ लोगों के अंदर एक स्पेशल गुण होता है जो उनको क्या बनाता है, लीडर बनाता है या नेता बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास में आप थे तो कुछ बच्चे मॉनिटर रहा करते थे, आप में से कुछ लोग रहे भी होंगे मॉनिटर, या फिर कॉलेज में जब इलेक्शन होते थे तो उसमें भी कुछ लोग छात्र नेता बन जाते थे, या घर में जब खेल में आप खेलते थे तो कुछ बच्चों में आप क्या बनते थे कि हम लीडर हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये स्पेशल गुण होता है कि सोसाइटी को वो सही डायरेक्शन दिखा सके, या अपने पीछे बहुत सारे फॉलोअर बना सके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सके, या सोसाइटी या फिर आपका जो पूरा कल्चर है उसमें एक स्पेशल रोल प्ले कर सके। तो अगर इस तरह के गुण किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, लीडर कहलाएगा, और इसका ये जो गुण है, जो उसकी एक क्वालिटी है, वो क्या कहलाएगी, लीडरशिप कहलाएगी। यानी कि नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर गुण होता है नेतृत्व प्रदान करने का। नेतृत्व मतलब किसी को सही रास्ता दिखाना है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक नेतृत्व देने के लिए या एक लीडरशिप देने के लिए एक एम होना चाहिए, है ना। एक एम हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, चाहे वो स्कूल का हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी NGO का हो सकता है, किसी परिवार का हो सकता है, किसी बच्चों के ग्रुप का हो सकता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एम हो सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट एम को पूरा कराने के लिए अगर एक बच्चे के अंदर कोई स्पेशल गुण है, वो क्या करेगा कि वो आगे जाके लीडर बन जाएगा, और वही लोग आगे जाके क्या बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। सो इस तरह के लोगों के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ लीडरशिप का। तो हमने समझा कि सबसे पहली बात है कि लीडर होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, कई सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। उन डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इसका कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों का एक समूह है ना, एक समूह है, इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। अब इन लोगों में से एक व्यक्ति क्या कहता है कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं इनके लिए हम
बाकी जो सोसाइटीज हैं उनसे लड़ाई करेंगे और बाकी लोगों के साथ आपकी जो समस्याएं हैं पूरे वर्ल्ड में या पूरी सोसाइटी में या किसी स्पेशल कंट्री में, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए मैं फाइट करूंगा, आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए। यानी कि फॉलोअर्स बनाने का, जैसे यूट्यूब है या फिर मान लीजिए आपका ट्विटर है, फेसबुक है ना, आप जैसे पीएम मोदी है या फिर राहुल गांधी है ना, या फिर सोनिया गांधी है या फिर ममता बनर्जी है, ये जितने भी लोग हैं आप, ये क्या है, लीडर है, तो इनके अंदर क्या गुण है, ये पॉलिटिकल पार्टी का इनका एक एम है ना कि इनके हाथ में सत्ता है, तो सत्ता के लिए लोग क्या करते हैं, लीडरशिप करते हैं, और यही लीडरशिप लोगों को अलग करती है बाकी लोगों से। यानी कि आपको देखिए, ये सोसाइटी के सभी लोग कैसे थे, समान थे, पर एक जो ये व्यक्ति था इसके अंदर एक स्पेशल गुण था कि ये बाकी सारे लोगों को लीड कर सकता था, सही मार्ग दिखा सकता था, या सही एम, जो पर्टिकुलर एम था उसको पूरा कर सकता था, तो ये व्यक्ति क्या कहलाया गया, लीडर कहलाया गया। ठीक है, तो समूह के व्यक्तियों के एक एक और बात है कि ये जो लोग हैं इनको ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, कैसे, मान लीजिए कि इस सोसाइटी के जो लोग हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक पॉलिटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टी में दो समूह है लोगों की, जो एक तरफ किसके फॉलोअर है, राहुल गांधी के, और एक तरफ फॉलोअर है मान लीजिए पीएम मोदी के। तो ये जो फॉलोअर है इनको प्रभावित करने का गुण कौन रखता है, पीएम मोदी, समझना। और इन ग्रुप के जो लोग हैं इनको प्रभावित करने का, इनको इफेक्टिव करने का, इनको आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का गुण कौन रखते हैं, राहुल गांधी। तो ये जो पीएम मोदी और ये जो राहुल गांधी, ये अपने फॉलोअर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस पार्टी के कुछ पर्टिकुलर एम हैं, इस पार्टी के भी अपने कुछ पर्टिकुलर एम हैं, इन एम्स को पूरा करने के लिए जो ये हमारे पीएम हैं या जो हमारे राहुल गांधी हैं, ये लोग इस समूह के लोगों की जो मानसिकता है, जो इनका बिहेव है, उसको पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इनके विचारों को, इनकी बिहेव को, ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग इनसे इन्फ्लुएंस रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, इसकी वजह से ये लोग क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए क्लास में, जैसे कि क्लास में क्या है कि 10 बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चों का क्लास है, तो 50 बच्चों के क्लास में से आप लोगों से तो 5 लोग ऐसे चूज किए जाएंगे जो लीडर की, जिनके अंदर क्वालिटी है। अब सभी से कहा जाएगा कि इनको वोट करिए। अब मान लीजिए सभी ने वोट किया तो किसी बच्चे को 50 में से 30 वोट पड़ गए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लीडरशिप का गुण ज्यादा है, और जो ये क्लास के बाकी लोग हैं तो इनको ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक पढ़ते हैं जिसमें हर किसी को वोट करने के लिए कहा जाता है ना, तो इस तरह से देखा जाता है कि किसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। मान लीजिए कि इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है ना, तो हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसको पड़े हैं। तो हमने देखा ए ने किसको वोट दिया है, ई को भी दिया है और ओ को भी दिया है, तो हमने ए को कितने वोट मिले हैं इसमें, तो ए को जो वोट दिया है वो सिर्फ डी ने दिया, तो ए का एक वोट हो गया। ए ने ओ को भी ई को वोट दिया है ना, तो ई का वोट एक ये हो गया, एक इसको सी ने वोट दिया है तो ये हो गया, एक बी ने भी दिया है, ठीक है, बी को कितने वोट मिले हैं, मान लीजिए बी को 2 वोट मिले हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ई के, ई को पूरे समाज में जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है आपकी, उसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, ई पे। तो ये माना जाएगा कि इस ई के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज है, जो बाकी लोगों से ग्रुप में ज्यादा है। तो इस तरह से किसी भी ग्रुप को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का जो गुण होता है वो कुछ लोगों में ज्यादा होता है और कुछ लोगों में कम होता है। तो इस तरह के लोग आगे चल के क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। हम फ्रेंड्स एक दो डेफिनेशन देखेंगे जिससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं एक डेफिनेशन जो लुईस एलन ने दी थी। लुईस एलन ने क्या बताया है कि इस, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लीडरशिप के बारे में, लीडर के बारे में, कि लीडर क्या होता है। एक लीडर जो एक है गाइड करता है, डायरेक्ट करता है पीपल्स को, यानी कि एक लीडर क्या करता है, यानी कि जो डायरेक्शन देता है और गाइड करता है। अ लीडर गिव्स द एफर्ट बाय हिज फॉलोअर्स, यानी क्या एफर्ट डालता है, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको डायरेक्शन देने में, उनकी जो पर्पस है उनको पूरा करने में, और उनको इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को। तो यानी कि इस पूरी डेफिनेशन में हमने देखा कि अ लीडर इन वन हु गाइड एंड डायरेक्ट्स other pupil, a leader gives the efforts by his followers a direction and purpose of
इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर, यानी कि एक जो लीडर है वो अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनके व्यवहार को, उनके कार्यों को, उनके जो एक्ट्स हैं उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो इस तरह से लीडरशिप के बारे में ये कहा था लुईस एलन ने। तो जिस व्यक्ति जो इस तरह का लीडर होगा तो उसके अंदर किस तरह के गुण पाए जाएंगे, लीडरशिप के गुण पाए जाएंगे। अगला फ्रेंड हम कंसेप्ट देखते हैं कि नीड ऑफ लीडरशिप है ना, आवश्यकता क्या है लीडरशिप की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ा ही दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स आगे हम समझते हैं कि जो लीडरशिप है आपका, इसका नीड क्या है ना, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, मतलब कि वो जरूरत क्या है। अगर समाज में सभी लोग क्या रह रहे हैं, इक्वली रह रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि कुछ लोग आगे चल के लीडर बन जाए और वो समाज को क्या करें, दायित्व, लीडरशिप प्रदान करें। तो हम समझते हैं कि क्या जरूरतें हैं। नंबर पहला हम समझते हैं कि सबसे पहली बात तो मेरे आदत जो है कि मैं ना एग्जाम्पल लेके पढ़ाती हूँ आपको। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आप सभी लोग व्हाट्सएप से परिचित हैं। शायद ही कोई हो जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा हो। आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप में आप क्या बना लेते हैं, कभी कभी एक ग्रुप बना लेते हैं। अब उस ग्रुप में जो बनाता है वो क्या है, मान लो लीडर है। अब उस लीडर की हेल्प से हम ये सारे फंक्शन समझ लेंगे और आपको लीडरशिप का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल लेके समझेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए आप एडमिन है और आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई करना है 2009 में, हाउ क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम 2019। ये आपने एक ग्रुप बना लिया, एडमिन है आप, कोई भी आप एग्जाम्पल ये वाला लेके समझते हैं। तो सबसे पहले जो लीडर होता है, लीडरशिप की जरूरत क्यों है, उस ग्रुप को बनाने में के लिए आपको क्या चाहिए था, एम चाहिए था, एक उद्देश्य। उद्देश्य कौन निर्धारण करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि एम क्या होंगे? तो जो लीडर होता है वो सबसे आगे आके क्या बना देता है, एक एम डिसाइड कर देता है कि इस एम के अकॉर्डिंग हम लीडरशिप करेंगे। सो एम डिसाइड कर दिया था कि नेट एजुकेशन का आपने ग्रुप बना दिया है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। सेकेंड आपने लिया कि ऑर्गेनाइज्ड करता है, यानी कि संगठित करता है। अब जैसे आपने क्या देखा कि कौन कौन ऐसा है जो एजुकेशन से नेट दे रहा है, तो इस तरह से 100-200 लोग आपने इकट्ठे किए और इस तरह से उसके जो उसी सबका पर्पज क्या है, सेम है। तो सेम पर्पज के लोगों को लेके ऑर्गेनाइज्ड करके हमने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। और उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एडमिन हो, जो उसको ऑर्गेनाइज करे। नेक्स्ट है कि पॉलिसीज बनाने के लिए है ना, आप पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि भाई 100 लोग हैं, 100 लोगों का काम क्या है कि हर कोई आदमी पर डे एक एक क्वेश्चन पूछेगा एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर हम पर डे 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 मेंबर्स हैं, तो धीरे धीरे सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे। सो इस तरह से पॉलिसीज बनाने के लिए कोई एक आदमी चाहिए। कोऑर्डिनेट करने के लिए, मान लीजिए क्या हुआ कि एक्स का बाई से झगड़ा हो गया ग्रुप में, तुमने ये क्यों पोस्ट कर दिया, ये तो गलत है, तुमने जो बताया है एक्सप्लेनेशन वो गलत है, तो आप आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो दोनों के बीच सलाह समझौता करा सके और कोऑर्डिनेट करा सके, इसलिए लीडर की जरूरत पड़ती है। अगला है आपका है कि अगर उस ग्रुप को लीडरशिप प्रदान करने के लिए है ना, कि प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई आदमी चाहिए पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए किसी ने उसमें आपके ग्रुप में डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज डालना शुरू कर दिया, या फिर कोई ऐसी बात डालनी शुरू कर दी कि ये वाले आप तस्वीर को 100 लोगों में शेयर कर दीजिए तो आपका सक्सेस हो जाएंगे, इस तरह की चीजें आती है ना। कि या फिर आप ये वाला फोटो इसको तुरंत लाइक करें तो आपको तुरंत अभी सफलता मिल जाएगी, लाइक दैट। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपका ग्रुप था, एम था किसका, नेट का, और उस पे आ रहा है IAS का, एम चेंज हो गया, तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप की जरूरत हुई है ना, कि जैसे लीडर क्या होता है, जिधर सब जा रहे हैं उधर लीडर नहीं जाता है, लीडर क्या होता है अपना एक अलग एम बनाता है, उस तरफ बाकी अपने फॉलोअर्स को ले जाता है। सो चीजों को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड है मोटिव्स देने के लिए। अब मान लीजिए कि ग्रुप तो बना दिया लेकिन अब उसमें कोई पोस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जो आपका एम था वो बेकार हो गया। तो आपको क्या करना है, डेली मोटिवेशन भी देना है जो आपके फॉलोअर्स है, तो मोटिव प्रदान करता है। साथ ही साथ में एक्ट एंड डिसीजंस लेता है कि क्या एक्ट करना चाहिए, किस तरह से चीजों को क्रियान्वित करना है, लोगों को बताता है। साथ ही में रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको पुरस्कार देना और किसी ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट देना। कुछ लीडरशिप ऐसे होते हैं जैसे जो पिता का स्थान लेते हैं ना, रिप्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी है, उनका पूरा फैमिली आपने देखा होगा कि लीडरशिप में है
है ना, बहुत सारे जैसे कि इंग्लैंड में है, आपने देखा है एलिजाबेथ है, उनका पूरा परिवार रॉयल रॉयल फैमिली है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपने फादर का स्थान लेते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जो एंशियंट टाइम था है ना, तो जैसे इनका बेटा है वो राजा बनेगा, उसका बेटा वो राजा बनेगा। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने फादर का स्थान लेके लीडर बन जाते हैं, भले ही उनका मन हो या नहीं हो, तो वो ग्रुप को क्या प्रदान करते हैं, लीडरशिप। अब इस मॉडल को, इस नीड्स को आप चाहे क्लास में अप्लाई करके देख लीजिए, चाहे आप पूरी कंट्री पे अप्लाई करके देख लीजिए, चाहे पूरे इंटरनेशनल अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इवन आप अपने घर में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एक लीडर है तो उस पे भी ये सारी बातें बिल्कुल सटीक बैठेंगी। सो ये था लीडरशिप का नीड। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसकी क्या मॉडल क्या है लीडरशिप के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। और आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। And thank you so much for watching me.